सो कैसे यार, यस बैंक पे अपडेट लेके आया था 20 तारीख है, और सोचा यस बैंक का अपडेट लेके आता। यस बैंक में मूडी ने थोड़ा रेटिंग चेंज की, स्टेबल किया नेगेटिव से, और अब ये देख सकते हैं यस बैंक गेंस 3% एज मूडी चेंज द आउटलुक टू स्टेबल। तो मूडी ने जैसे ही इसका चेंज किया तो थोड़ा सा मूडी हैज रेफर्ड बैंक्स रेटिंग वाइल चेंज आउटलुक ऑफ द कंपनी टू स्टेबल फ्रॉम नेगेटिव। तो मूडी ने चेंज किया है, और उसी के कारण आप आवरली चार्ट पे भी देखेंगे, ये आवरली चार्ट है। तो एक इसमें इन्वर्टेड हैमर बना है यहाँ से, और यहाँ से आप देखेंगे ग्रीन हैमर है, और वहाँ से देखिए एक बुलिश कैंडल भी बना है, फॉर्म किया है, ये कंप्लीट बुलिश है। तो ये लास्ट मिनट में न्यूज आया था जिसके कारण स्टॉक अप गया था। तो हो सकता है कि कल ये आपको एक बार 226, आप देखेंगे जो पहले हाई बनाया था ये 226 का, उसको टच करे, फिर 233, ये वाला जो इसका मूविंग एवरेज डेज 20 डे, इसका जो मूविंग एवरेज डेज है 150 का मूविंग एवरेज है, 233 रुपये का है, इसको हो सकता है टच करे। और अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर एक बार यहाँ से जो फॉल किया था ये ऊपर लेवल 245, तो अब ये 245 मतलब कि 226, 233, 245 के लेवल को आप टच करके देख सकते हैं। ये 226 जो इसका प्रीवियस हाई था, उसके बाद ये 150 का मूविंग एवरेज डेज है 233, और उसके बाद 245 रुपये जो इस कॉलम में हाई बनाया था। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको हम इसमें देखने को ये मिल सकता है आपका, ये जो आज ओपन हुआ था 216 पे, हाई बनाया 219 रुपये 65 पैसे का, लो बनाया 213 रुपये 60 पैसे, और क्लोजिंग दिया है हाई के आसपास ही 217 रुपये 85 पैसे। इसकी वॉल्यूम की बात बोले तो आप देखेंगे वॉल्यूम वेटेड एवरेज 214 रुपये 18 पैसे के सामने 212 रुपये, थोड़ा निगेटिव प्राइस में क्लोजिंग दिया है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अभी एक सेंटीमेंट पॉजिटिव है इसमें, आप देखेंगे यहाँ पे 216 रुपये 38 पैसे की जगह पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज की जगह पे 217 रुपये पॉजिटिव दिया है, सॉरी वो कल का था आज का ये, तो 216 रुपये 38 पैसे की जगह 217.85 वॉल्यूम वेटेड एवरेज दिया है, तो एक पॉजिटिव है और कल के लिए अच्छा रहेगा ये। और आप अगर यहाँ पे देखेंगे यस बैंक में डिलीवरी की बात करेंगे तो देखिए अभी 33,99,000 शेयर का डील हुआ है, जिसमें से 1,77,000 की डिलीवरी हुई है, 49 लाख की डिलीवरी, 14% की डिलीवरी हुई है। आप ये न्यूज जब आया था बैंक वाला तो 26 करोड़ का डील हुआ था, उसके बाद ये 171 से सीधा 211 आ गया था, और 218 को कंटिन्यू किया, फिर प्रॉफिट बुकिंग 212 आया, आज ये फिर से वापस ये अपसाइड गया ये मोदी के न्यूज के बाद। तो ये आपके एवरेज ट्रेडिंग देखेंगे 3 करोड़ 3.5 करोड़ का इसमें हो रहा है ट्रेडिंग, हाँ डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा कम है, तो ट्रेडर इसमें पोजीशन बना रहे हैं। तो आप भी शॉर्ट टर्म के लिए एक बार इसमें 226, 233 और 245 का लेवल इसमें देख सकते हैं। और अगर मैं एक बार इसको डेरिवेटिव पे भी देखने की कोशिश करूँ तो यस बैंक 216 रुपये 95 पैसे क्लोजिंग दिया है 20 फरवरी को, 28 फरवरी का यस बैंक अगर देखेंगे तो एट द मनी 216 215 पे देखें तो कॉल में 24,24,500 पे टोटल क्यूमुलेटिव 9,29,250 का शेयर है। और यहाँ पे पुट में देखें तो दो यहाँ पुट है, ये कॉल है, पुट में देखिए आप बिकवाली हो रही है, ये देखिए पुट में बिकवाली हो रही है और कॉल में खरीदारी हो रही है, मतलब मार्केट ऊपर की ओर जाने के चांसेस है। और ये देखेंगे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम तो आपको जो बन रहा है 220 पे 4,02,000 का, और 225 पे 1,15,000, 230 पे 1,03,000, 235 पे 19,000, 240 से अनवाइंडिंग हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, और यह हो सकता है जो पहले से शॉर्ट किए हैं वो अपनी प्रॉफिट को लेकर के बाहर निकल रहे हैं। तो ऊपर का दायरा एक बार खुला हुआ है 220 पे, अच्छा खासा इसको रेसिस्टेंस भी है 220 पे, 4,02,000 के साथ सबसे क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट 51,094 का है, 51 लाख का, तो 220 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है इसको। नीचे सपोर्ट की बात करें तो 200 पे आप देखेंगे कि 43,99,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है 200 पे, और उसके बाद 190 पे 22 लाख का, और 180 पे भी 28 लाख का। तो नीचे की ओर आपको 200 पे ही बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो अभी नीचे शायद 200 जाने में थोड़ा टाइम लगा सकता है, नीचे तो जाएगा लेकिन टाइम लगा के जाएगा। और अभी देखेंगे ऊपर की ओर तो 210 पे भी शॉर्टिंग चालू हो गई, 24 लाख क्यूमुलेटिव है, तो 210 भी अभी अच्छा खासा इसमें नीचे जाने में प्रॉब्लम आएगी। 215 पे भी शॉर्टिंग हो रहा है, 220 पे भी शॉर्ट कर रहे हैं लोग, अभी से पॉजिटिव बाइंडिंग बना रहे कि 220 प्लस रहेगा। तो कल का मार्केट आपको हो सकता है कि जैसे बजाय 226, 233, 245 की ओर आपको कल का मार्केट इसमें देखने को मिल सकता है। जैसा पोजीशन बना उसे यही दिख रहा है कि यस बैंक में कल एक पॉजिटिव व्यू ट्रेंड रहेगा। आज 217.85 पे ये क्लोजिंग हुआ है, और वॉल्यूम हुआ है 4,84,29,000 का। ये सारे एजुकेशन पर्पज से वीडियो थे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।